अस्सलाम वालेकुम, आज एक नए टॉपिक के साथ। बहुत ही कैची सा टॉपिक है और डेफिनेटली जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उन दोनों के लिए बड़ा बेनिफिट है। देखिए, एक होता है हमारी ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट और एक होता है कि हम उसमें थोड़ा सा अपग्रेड करते हैं और डाइवर्सिफाई करते हैं। आज इस वीडियो के ज़रिए समझेंगे कि क्या आपकी इन्वेस्टमेंट जो आप करने जा रहे हैं वो उतनी ही पुरानी है कि 10 साल पुरानी, 2 साल पुरानी, 3 साल पुरानी, या इसमें आपने कुछ इनोवेशन की है और कुछ नई थिंकिंग को इन्वॉल्व किया है। क्योंकि याद रखें कि वक्त बदला, सोच बदली और इन्वेस्टमेंट का तरीका भी बदल जाता है। अगर आपने अपने इन्वेस्टमेंट के तरीके को तब्दील नहीं किया तो डेफिनेटली आप इसमें आने वाले टाइम में इतना बड़ा गेन नहीं देखेंगे और हम एंड में कहेंगे कि इंडस्ट्री ही ख़राब है, जबकि हमारी प्लानिंग ख़राब होती है, हमारे गोल सेट नहीं होते, जिसकी वजह से हम इन बातों की तरफ निकल जाते हैं कि इंडस्ट्री ख़राब है। दूसरों के ऊपर ब्लेम डालकर हम बड़ा ईजीली उससे बाहर निकल आते हैं कि हमारा तो कोई कसूर ही नहीं था। मैं आपसे जो बात करने जा रहा हूँ वो है आज टूरिज्म रियल एस्टेट के ऊपर। आपको पता है कि ट्रेडिशनल रियल एस्टेट के अंदर लोग प्लॉटों के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो एक काफ़ी पुराना तरीका हो चुका है और लोगों ने काफ़ी अडॉप्ट किया है। 4 से 5 साल जिस तरह पीक के लोगों ने गुजारे, आज वो देख रहे हैं कि किस तरह डाउन साइजिंग हो रही है चीज़ों के अंदर। तो ये क्यों है? क्योंकि डेफिनेटली जब सब लोग एक तरफ निकलेंगे और सब लोग एक ही इन्वेस्टमेंट के पीछे भागेंगे तो फिर वहाँ पर आपको लॉसेस का सामना करना पड़ सकता है। वो कैसे? देखें, आप जब डिमांड एंड सप्लाई को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे, इससे पहले मैं आगे भी बात करूं, डिमांड एंड सप्लाई की तरफ फोकस करते हैं। जब किसी चीज़ की आप सप्लाई को बढ़ाएंगे उस एरिया के अंदर तो ऑटोमेटिकली उसकी जो डिमांड है वो कम होगी तो चीज़ें ग्रोथ नहीं पकड़ेंगी। अगर ग्रोथ पकड़ेंगी तो बहुत टाइम लगेगा, एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, 5 साल 10 साल लगेंगे। अब जितने नंबर ऑफ प्लॉट निकल आए हैं डिफरेंट सोसाइटीज़ की वजह से, डिमांड उस लिहाज से कम है, जिसकी वजह से आप इस्लामाबाद की खास तौर पर रियल एस्टेट को अब इतना बूम होता हुआ नहीं देखेंगे। जो डेवलप एरिया है वहाँ पर चीज़ें आपको अपडेटेड नज़र आएंगी। तो इन चैलेंज को अबूर कैसे करना है, हमारे पास एक ऑप्शन है, वो है टूरिज़म रियल एस्टेट। टूरिज़म रियल एस्टेट की तरफ फोकस करेंगे, टूरिज़म रियल एस्टेट, क्योंकि आने वाले टाइम में लोगों का, देखें, एक पर्सन अगर पंजाब से निकला है, कराची से निकला और वो 2 लाख 3 लाख लगाकर टूरिज़म करने आया है मरी के अंदर, डिफरेंट एरियाज़ के अंदर, तो ऑटोमेटिकली दे हैव बजट, दे हैव मनी, तो आपने उसकी पैसों को सही तरीके से यूटिलाइज़ करवाना है, आपने अपने पैसों को भी सही तरह से यूटिलाइज़ करना है। तो ये जो एक डायरेक्शंस आ रही हैं इसको अंडरस्टैंड करें और रियल एस्टेट के अंदर, टूरिज़म रियल एस्टेट के ऊपर फोकस करें, क्योंकि आने वाला जो टाइम है वो इसी का है। लोग फेड अप हो चुके हैं अपने सिस्टम से, लोगों यानी कि ना एक पीस इन्वायरमेंट के अंदर जाना चाहते हैं कुछ टाइम तक, वो हाईली अमाउंट को पे करके एक पीस चाह रहे होते हैं, एक ऐसा इन्वायरमेंट चाह रहे होते हैं जो उनको तस्कीन दे। तो इसलिए लोगों का जो रुख है वो आने वाले टाइम में टूरिज़म की तरफ बढ़ेगा। ये इतना जल्दी नहीं फैलेगा, इसका अभी टाइम है, तो ये बहुत राइट टाइम है कि आप टूरिज़म रियल एस्टेट की तरफ आएँ। रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू आप समझेंगे कि मैं क्यों बार बार बात कर रहा हूँ ट्रेडिशनल से टूरिज़म की तरफ, क्या सफ़र जो है वो क्यों तय करना ज़रूरी है इस टाइम। देखें, आप खुद हैं, आपके दोस्त हैं, आपके रिलेटिव हैं, आपके कोलीग्स हैं, उन्होंने इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं की होगी, अगर आपने नहीं की तो उन्होंने की होगी, तो आप उनसे मशवरा करें कि 2020 में अगर आपने इन्वेस्टमेंट की है तो क्या गेन किया है, आपने क्या पाया है, क्या जेब में आया है। तो उनको उनका जवाब मैं आपको बता देता हूँ कि जो गेन आया था वो भी ख़त्म हो गया। उसकी रीजंस क्या थी, वो डिमांड एंड सप्लाई। अब बात करते हैं टूरिज़्म की तरफ। टूरिज़्म की तरफ मैं आपका फोकस क्यों दिलवाना चाह रहा हूँ, क्योंकि टूरिज़्म एक ऐसी चीज़ है कि जहाँ पर आप अपनी इन्वेस्टमेंट को एक सेफली तरीके से पार्क करवा सकते हैं, क्योंकि वो अभी अडॉप्ट होना शुरू नहीं हुआ, लोगों को अंडरस्टैंड होना शुरू नहीं हुआ। जब तक लोगों को वो अंडरस्टैंड होगा आप वहाँ से कमाई करके निकल चुके होंगे। ये वही टेक्निक जो मैंने लास्ट वीडियोस में बताई थी, ब्लू ओशन और रेड ओशन वाली, कि आप जहाँ पर कंपटीशन है, डिमांड एंड सप्लाई की कोई तमीज़ ही नहीं है, आप वहाँ से निकलें और ब्लू ओशन में दाखिल हों और एक नई अपॉर्चुनिटी की तरफ पहले से जाके इन्वॉल्व हो लें, ताकि वो जब रेड ओशन की तरफ कन्वर्ट होने लगे तो आप वहाँ से निकल कर एक नई जगह पर इन्वेस्टमेंट कर लें। यही तरीका होता है और कोई तरीका नहीं है बचने का, और कोई तरीका नहीं है कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट को एक अच्छी जगह पर, देखिए, जब तक आप टूरिज़्म में एक्सपर्ट बन चुके होंगे, आपके वहाँ पर रेवेन्यू जनरेट हो चुके होंगे, तो कोई भी आने वाले टाइम में मुकाबला नहीं कर सकता। आपकी अपनी एक स्पेस क्रिएट हो चुकी होगी,
तो बार बार आपको टूरिज्म का बेनिफिट के बारे में बताना, टूरिज्म के बारे में बताना, एक्चुअल में एक ही वजह है कि रियल स्टेट जो है किसी भी वक्त जो है वो बुरी नहीं होती, उसमें तरीक़ेकार बुरा होता है कि आपने किस टाइम पर इन हो रहे हैं और किस टाइम पर आउट हो रहे हैं। हम जूम मीटिंग के लिए अवेलेबल हैं, हम वन टू वन मीटिंग के लिए अवेलेबल हैं, हम साइट्स पर लेके जाएंगे मरी जो हमारा प्रोजेक्ट है वहाँ पर, और आपको वहाँ पर बताएंगे कि किस तरह ये आपको एप्रिसिएशन भी दे सकती है और ये आपको रेंटल वैल्यू भी दे सकती है। स्टे ट्यून, आने वाली वीडियो में इस पर बहुत डिटेल से बात होती रहेगी। अल्लाह हाफिज़।